प्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उप विषय पाठ एक, अंग की मात्रा, व्याख्यान संख्या दो। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं अंग की मात्रा। देखिए, पहले इन बिंदुओं को पढ़ लेते हैं और इनकी दोहराई कर लेते हैं। अंग, ये क्या है? अंग की मात्रा, और इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और ये सब क्या है? अंग की मात्रा है। दूसरा बिंदु था कि इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। देखिए, अंग और ये रहा अंग की मात्रा, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहते हैं। देखिए, क में अंग की मात्रा कंग, ख में अंग की मात्रा खंग, ग में अंग की मात्रा गंग, घ में अंग की मात्रा घंग। तीसरा बिंदु देखिए, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप अंग से बने हुए शब्द पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप इसका उच्चारण करने में नासिका की मदद ले रहे हैं, है ना? देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि अंग का उच्चारण हम तीन तरह से करते हैं। कभी हम अंग के रूप में इसका उच्चारण करते हैं, कभी आधा न, ये देखिए बेटा, इसके नीचे ये लगा है ना, इसे हलंत बोलते हैं। अगर ये हलंत लग जाए तो इसका मतलब ये न आधा हो गया, ठीक है? अभी देखिए, माँ में भी लगा हुआ है ना, माँ में भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये म भी आधा है। तो इस प्रकार से कभी अंग के रूप में, कभी आधा न के रूप में, और कभी आधा माँ के रूप में हमें इसका उच्चारण देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, अंग को हम अनुस्वार कहते, अंग को हम अनुस्वार कहते, उच्चारण नासिका से करते, उच्चारण नासिका से करते, अंग न कभी माँ है पढ़ते, अंग न कभी माँ है पढ़ते। देखिए, फिर से पढ़िए, अंग को हम अनुस्वार कहते, उच्चारण नासिका से करते, अंग न कभी म है पढ़ते, है ना? आपको इन बातों को ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है, ठीक है बेटा? अब चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बच्चों, कार्य शुरू करने से पहले हमें क्या बनाना है? तीन लाइन का फॉर्मेट। ये देखिए, हमें तीन लाइन में फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले दिनांक, उसके नीचे हम दिनांक डालेंगे, बीच में डालेंगे पाठ एक, और उसके नीचे लिखेंगे अंग और अंग की मात्रा। यहाँ आपको दिन डालना है और उसके नीचे आप लिखेंगे कक्षा कार्य। तो इस प्रकार से बिना मम्मी की मदद से, ठीक है? अब आपको खुद ये फॉर्मेट बनाना है बेटा, चाहे आप क्लास वर्क कर रहे हो यानी कि कक्षा कार्य कर रहे हो, या आप अपना गृह कार्य कर रहे हो, आपको खुद फॉर्मेट बनाना अब आना चाहिए। अब आप बड़े हो गए ना, इसलिए, ठीक है? देखिए, कल मैंने आपको सिखाया ना कि ये जो अंग है, अंग की मात्रा कैसे लगती है? शिरोरेखा के ऊपर लगती है, ठीक है? ये क्या है? अंग की मात्रा। अच्छा, अगर अंग से आपको कोई शब्द लिखना है तो लिख लेंगे ना आप? कल मैंने गृह कार्य में कार्य दिया था ना आपको, अगर क लिख देंगे अंग के बाद में, क्या पढ़ेंगे? अंक, है ना? क्या पढ़ेंगे? अंक। चलिए दूसरा शब्द बना के देखते हैं।
अंग से दूसरा शब्द बनाते हैं। देखिए अंग लिखा और त लिख दे, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? अंत बन गया ना। अच्छा चलिए अब हम व्यंजनों में अंग की मात्रा लगाते हैं और उनसे नए नए शब्द बनाते हैं। देखिए क में अंग की मात्रा लगा दी, क्या पढ़ेंगे? कंग। अब देखिए कंग से शब्द बनाते हैं, क लिखिए अंग की मात्रा लगाइए, ग लिखिए और न लिखिए, ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे? कंगन। क्या पढ़ेंगे? कंगन। अच्छा अगर र दे दिया जाए, र में अंग की मात्रा लगा दी जाए, क्या पढ़ेंगे? रंग। अब रंग से शब्द बनाते हैं, अंग की मात्रा और ग लिख दीजिए, ऊपर शिरोरेखा, पढ़िए क्या है ये? रंग। क्या बन गया? रंग। और द में अंग की मात्रा लगा दें, क्या पढ़ेंगे? दंग। अब देखिए द लिखिए, अंग की मात्रा लगाइए और ग लिख दीजिए, ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे? दंग। अब चलिए भ लिखते हैं, भ में अंग की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? भंग। ये देखिए अंग की मात्रा और ग, ये देखिए शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे? भंग। क्या पढ़ेंगे? भंग। च लिखिए, च में अंग की मात्रा लगाइए, चंग से शब्द बनाना है हमें, च में अंग की मात्रा लगाई और ग लिख दिया, चंग। अच्छा ज, ज में अंग की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? जंग। अब ज में अंग की मात्रा ग, क्या बन गया? जंग। क्या बन गया बेटा? जंग। देखिए अगर इसमें ल लिख दूं, अब पढ़िए जंगल, जंगल है ना। ही म, म में अंग की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? मंग। अब चलिए लिखिए म, म में अंग की मात्रा ग और ल लिख दीजिए, अब पढ़िए इसे, क्या पढ़ेंगे? मंगल। क्या पढ़ेंगे? मंगल। ऐसे ही द में अंग की मात्रा लगाइए, द, द में अंग की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? दंग। अब देखिए द में अंग की मात्रा ग ल, ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे? दंगल। क्या पढ़ेंगे? दंगल। ऐसे देखिए ये फिर क्या आ गया, देखिए अंग। अब अंग से शब्द बनाते हैं, देखिए अ में ये रहा अंग की मात्रा ना, क्या है ये? अंग। अगर ग लिख दे केवल तो क्या पढ़ेंगे? अंग। अब इसमें बड़ी उ की मात्रा लगा के र लिख दें, अब पढ़िए क्या बन गया? अंगूर। अंगूर, पढ़िए बेटा अंगूर। चलिए ल में अंग की मात्रा लगाइए, अब इसे पढ़िए क्या बन गया? लंग। अब शब्द बनाते हैं, ल में अंग की मात्रा ग
ग में बड़े उ की मात्रा और र उपशिरो रेखा क्या बन गया पढ़िए, लंगूर। क्या बन गया? लंगूर। देखिए अंगूर, लंगूर। अब देखिए बच्चों, प में अंग की मात्रा लगाइए, क्या पढ़ेंगे? पंग। प में अंग की मात्रा पंग, ख लिख दीजिए, क्या पढ़ेंगे? पंख। लेकिन आ की मात्रा लगा दें और ऊपर शिरो रेखा लगा दें, अब क्या बन गया? पंखा। क्या पढ़ेंगे? पंखा। ग में अंग की मात्रा लगाइए, क्या बन गया? गंग। अब चलिए ग में अंग की मात्रा, ग में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, अब पढ़िए क्या बन गया? गंगा, गंगा। पंखा, पंखा। गंगा, गंगा। चलिए बच्चों, अब कुछ अंग अनुस्वार से बने शब्द और लिखते हैं, लेकिन जिनका उच्चारण हम न के रूप में करते हैं, अंग के रूप में नहीं, ठीक है? अनुस्वार की ही मात्रा लगेगी, लेकिन उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? न के रूप में, ठीक है? देखिए, क में अंग की मात्रा लगाई ना हमने, अनुस्वार की मात्रा लगाई, लेकिन अब जो हम शब्द बना रहे हैं उसमें आपको पढ़ते समय न का उच्चारण करना है। कंचन, ऊपर शिरो रेखा, क्या पढ़ेंगे? कंचन, कंचन। अब देखिए ब में भी अनुस्वार की मात्रा लगाइए, अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे? बन। अब देखिए ब, ब में अनुस्वार की मात्रा, द र, ऊपर शिरो रेखा, पढ़िए इसे, क्या बन गया? बंदर, बंदर। अब देखिए मैंने यहाँ पे अंग लिया है, अब यहाँ अंग नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? अन। शब्द बनाते हैं, आमी अनुस्वार की मात्रा, अन द र, ऊपर शिरो रेखा, अंदर, पढ़िए कंचन, कंचन। बंदर, बंदर। अंदर, अंदर। अब देखिए झ में अंग की मात्रा लगाते हैं, क्या पढ़ेंगे? झन। अब देखिए झ में अंग की मात्रा, ड, ड में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, क्या पढ़ेंगे? झंडा, क्या पढ़ेंगे? झंडा। और अगर झ में अनुस्वार की ही मात्रा लगाएं, इससे एक नया शब्द भी बना सकते हैं। देखिए झ में अंग की मात्रा, झ ट, झंझट, 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 बोलिए झंझट। आप देखिए ठ में अनुस्वार लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे? ठन, क्या पढ़ेंगे? ठन। ठ में अनुस्वार की मात्रा, ड डमरू, आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा, क्या पढ़ेंगे? ठंडा, ठंडा। ड में अनुस्वार की मात्रा, ड में अनुस्वार की मात्रा, ड में आ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? डंडा, क्या पढ़ेंगे? डंडा। देखिए ठंडा, डंडा। अब देखिए
च में अनुस्वार की मात्रा, च में अनुस्वार, द में आ की मात्रा। ऊपर शिरोलेखा क्या पढ़ेंगे? चंदा, चंदा, चंदा मामा को हम बुलाते हैं ना, चंदा। ऐसी ह, ह में अनुस्वार की मात्रा, हंस। क्या पढ़ेंगे? हंस। चलिए एक बार दोहराइए, पढ़िए। कंचन, बंदर, अंदर, झंडा, झंझट, ठंडा, डंडा, चंदा, हंस। देखा, सब में अंक की मात्रा ही नजर आ रही ना, अनुस्वार की मात्रा नजर आ रही है, लेकिन उसका उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं? न के रूप में। अब चलिए, अब हम अनुस्वार की से बने कुछ और शब्द लिखेंगे, लेकिन उनका उच्चारण करते समय किसकी ध्वनि आएगी? आधे म की, है ना। देखिए हलंत लगा हुआ है ना, ये क्या है? अधमा। अब इसे हम ना तो अंग पढ़ेंगे ना अन पढ़ेंगे, अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? अम। क्या पढ़ेंगे? अम। देखिए, अमी अनुस्वार। अब इसे शब्द बनाते हैं। देखिए बेटा, ब में आ की मात्रा लगा दीजिए, ऊपर शिरोरेखा। अब इसे पढ़िए, अम्बा, अम्बा। क्या पढ़ेंगे? अम्बा, अम्बा। ख लिखिए, ख में अनुस्वार लगाइए, क्या पढ़ेंगे? खम। इससे शब्द बनाते हैं। भा लिखेंगे, भा में आ की मात्रा, ये देखिए। अब इसे पढ़िए, खम भा, खम भा, खम भा। आप देखिए, अनुस्वार लगाया हमने, अब शब्द बनाते हैं इससे। अम बर, क्या बन गया? अंबर। क्या बन गया? अंबर। पढ़िए, अम बर, अंबर। चलिए, च में अनुस्वार लगाइए, अब इसे पढ़िए, चम। क्या पढ़ेंगे? चम। च में अनुस्वार, प में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? चंपा। देखिए पढ़िए, अम बा, खम भा, अंबर, चम पा। तो बच्चों, आज हमने अनुस्वार के तीन रूपों को पढ़ा, है ना। कभी हमने अंक के रूप में उसे पढ़ा और लिखा, कभी न के रूप में पढ़ा और लिखा, और कभी म के रूप में उसे पढ़ा और साथ ही साथ उसे लिखा भी। चलिए आज की कार्य की दोहराई करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने अंग, अनुस्वार का अंग के रूप में उच्चारण किया, है ना। देखिए, अंक, अंत। क में अंग लगाया तो कंग, कंगन। र में अंग लगाया तो रंग। द में अंग लग तो क्या पढ़ेंगे? दंग। ऐसे ही भ में अंग क्या पढ़ेंगे? भंग। च में अंग चंग। ज में अंग जंगल। फिर हमने नया शब्द बनाया, मंगल। उसके बाद में क्या लिखा हमने? दंगल। अंगूर, लंगूर। पंखा, और फिर क्या लिखा? गंगा।
बेटा मैंने आपको इसे इसलिए अलग अलग लिखाया ताकि आप समझ सकें और इसे पढ़ सकें, ठीक है। आप अपना कक्षा कार्य करने के बाद जो आपने लिखा है उसे दो बार ज़रूर पढ़ा कीजिए, जिससे आपको शब्दों को पढ़ना आ जाए और साथ ही साथ लिखना भी। फिर हमने कुछ शब्द लिखे जो अंग से बने हुए थे। वो बने तो अंग से होते हैं लेकिन उनका उच्चारण हम आधा न के रूप में करते हैं, उसे हम अन पढ़ते हैं। जैसे देखिए क में आपको लग रहा है कि अनुस्वार ही लगा है ना, लेकिन इसे हम अंग की मात्रा तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब अनुस्वार लगा है तो इसे किस रूप में लगा है, आधा न के रूप में लगा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे, कन। शब्द बनाया हमने कंचन। बा में अनुस्वार लगा हमने क्या पढ़ा, बन। शब्द बनाया बंदर। अ में अनुस्वार लगा हमने क्या पढ़ा, अन, अंदर। झा में अनुस्वार, झंडा। अगला शब्द झंझट, झंझट। ऐसे देखिए ठन, ठंडा। डन, डंडा। चन, चंदा। हन, हंस। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अनुस्वार का उच्चारण अन के रूप में भी कर लिया। अब देखिए फिर हमने अनुस्वार का उच्चारण किया लेकिन इस बार हमारा उच्चारण क्या था, म, आधा म। अम, क्या आएगा उच्चारण, अम। फिर हमने अम से बने कुछ शब्द बनाए, जैसे अम में अनुस्वार लगाया तो क्या बन गया, अम, अम्बा। ख में अनुस्वार लगा खम, खम्भा। अम, अम्बर। चम, चंपा। तो बच्चों इस तरह मैंने आपको अलग अलग उच्चारण के अलग अलग शब्द लिखना और पढ़ना दोनों सिखाया, है ना। आपको समझ में भी आ गया होगा, तो आप इसे लिखने के बाद में दो बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब आज का गृह कार्य, प्यारे बच्चों आज मैंने गृह कार्य दिया है कि दिए गए चित्रों के नाम देखकर लिखिए। देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों के नाम देख करके लिखने हैं। जैसे पहला शब्द क्या है, चंदा। ये देखिए मैंने लिख दिया चंदा, तो आपको ऐसे देख करके लिखना है। दूसरा चित्र किसका है पता है आपको, हंस का। ह, अंग, श, हंस, ठीक है। अब तीसरा चित्र देखिए, किसका चित्र है ये, अंगूर का। अंग, ग में बड़े ऊ की मात्रा, र, अंगूर। अगला चित्र किसका है, घंटी, ठीक है, घंटी। आपको ऐसे देख करके लिखना है। उसके बाद में अगला चित्र किसका है, झंडा, झंडा। आपको ऐसे झंडा देख करके लिखना है। और अगला शब्द क्या लिखना है आपको पता है, ये है बेटा अंडा, अंडा। आपको ऐसे अंडा लिखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो मैंने चित्र दिए हैं ना आपको, इनको देख करके इनके नामों को आपको लिखना है और सुंदर राइटिंग में लिखना है, फॉर्मेट बना के लिखना है, ठीक है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।